हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सोशल साइंस, चैप्टर 5 हिस्ट्री का, एजुकेशन एंड सोशल सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और ये इस चैप्टर के कंप्लीट सॉल्यूशन है। होप कि आपको पिछले सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और वो जो बेल आइकन होती है उसको प्रेस कर दो। कमेंट जरूर करना आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस। तो स्टार्ट करें। नाउ क्वेश्चन 1 है, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस। उसमें फर्स्ट है, विच लॉ वॉज सजेस्टेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्वेश्चन है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कौन सा कानून सजेस्ट किया या सलाह दी थी। और सेकंड है, इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द विच स्कूल डिड ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। कौन से स्कूल में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो स्कूल का सिर्फ नाम लिखना है, हिंदू बालिका स्कूल। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आ रहा है क्वेश्चन 1 का 3। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, टू क्यूरिकुलम ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन शुड बी हाउ मैनी ईयर्स। प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कितने ईयर्स का होना चाहिए, तो 7 ईयर्स का बताया था। एंड फोर्थ है, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाय दुर्गाराम मेहता। तो उसका आंसर है मानव धर्मशाला इन सूरत। तो आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट है, विच स्टेप्स वर टेकन बाय सर सयाजीराव गायकवाड़ एंड हिज वाइफ टू स्प्रेड एजुकेशन। जो सयाजीराव गायकवाड़ सर थे और उनकी वाइफ थी, उन्होंने शिक्षा को फैलाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे वो बताना है। तो ये समझ में आ जाएगा, 2-3 पॉइंट का ही है। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन 2 का 2 है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी वॉट इज लिटरेसी। गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है वो बताना है। तो खुद भी वो लॉ किए हुए थे अफ्रीका से, काफ़ी एजुकेटेड थे। तो आगे बढ़ते हैं, 2 लाइन का आंसर है, लिख देना। नाउ अब आ रहा है क्वेश्चन 2 का 3, विच एजुकेशनल रिकमेंडेशन वर मेड इन द वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच में कौन सी शिक्षा नीतियां जो हैं, सिद्धांत जो हैं, या रिकमेंडेशन सिफारिशें की गई थी। तो काफ़ी लंबा चौड़ा आंसर है, लेकिन तो भी आप मेन 2 पॉइंट लिख देना। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन 2 का 4 है, विच एफर्ट्स वर मेड बाय वेरियस रिफॉर्मर्स इन महाराष्ट्र फॉर गर्ल्स एजुकेशन। लड़कियों की शिक्षा के लिए महाराष्ट्र में कौन कौन से कदम उठाए गए, कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई गई, और कौन कौन से प्लानिंग या प्लान बनाए गए वो बताना है, और जो कोशिशें की गई वो बताना है। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है क्वेश्चन 3, राइट ए शॉर्ट नोट, जिसमें फर्स्ट है, एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज की क्या क्या एक्टिविटीज़ थी वो बतानी है। और ब्रह्मो समाज आपको पता होना चाहिए, राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट किया था। काफ़ी जो पर्सन थे वो बहुत ही फॉरवर्ड इंसान थे, तो काफ़ी उन्होंने सुधारे वधारे रिफॉर्म्स किए थे। आगे देख लेते हैं, 2-4 पॉइंट का आंसर है, आप लिख देना। शॉर्ट नोट वैसे लॉन्ग होते हैं। क्वेश्चन 3 शॉर्ट नोट का, सेकंड, विडो मैरिजेस। इसका मतलब है विधवा विवाह। विधवा आपको पता होना चाहिए, जिसके हस्बैंड ऑफ हो जाते हैं उसको बोलते हैं। तो इसमें वैसे वो लॉन्ग है, ये पार्ट 1 आंसर है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। लेकिन जो पार्ट 2 है नेक्स्ट स्लाइड में है, ये 9th स्लाइड है, 10th स्लाइड में इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। शॉर्ट नोट जो होते हैं बहुत ही लॉन्ग होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो काम है वो राजा राम मोहन राय ने किया था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। उन्होंने विधवा विवाह कराए, यानी जिनके भी हस्बैंड्स ऑफ हो जाते हैं उनके रीमैरिजेस कराई, और सती प्रथा को बंद किया। तो काफ़ी रिफॉर्म्स किए, सुधारे वधारे समाज में किए। और ये क्वेश्चन 3 के 2 का पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको 10th स्लाइड में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन 3 शॉर्ट नोट का, सेकंड, फिर कंटिन्यू है, ये पार्ट 2 है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, जो येलो
हाईलाइट में लिखा हुआ है, विडो मैरिजेस के बारे में है। तो यहाँ भी 4 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये तो सारा लिखना है क्योंकि शॉर्ट नोट है। वैसे भी शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, 1-1.5 पेज से ऊपर होते हैं, और आप पूरा कॉपी में नोट कर लेना ये आंसर। आगे देख लेते हैं, अब आ रहा है क्वेश्चन 3, राइट ए शॉर्ट नोट का 3rd, रविंद्रनाथ टैगोर्स थॉट्स ऑन एजुकेशन। आपको पता होना चाहिए जो रविंद्रनाथ जी थे बहुत बड़े कवि थे और नोबेल प्राइज़ विनर थे, और उनके साहित्य के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और उन्होंने जो एजुकेशन में, भारत की शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनके थॉट्स जो है हम अभी तक स्कूल में एज अ सुविचार हम लिखते हैं और बोलते हैं असेंबली में, राइट। तो यहाँ भी 2-4 पॉइंट मैंने बना रखे हैं, आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। आगे देख लेते हैं, नाउ अब आ रहा है क्वेश्चन 3, राइट ए शॉर्ट नोट का 4th, टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। इनके भी थॉट्स, इनके भी जो प्रीचिस थे वो बहुत अच्छे थे, और आज तक हम अपने हर बोर्ड पे, क्लास में, इवन असेंबली में, इवन कहीं पे हम नोट डाउन सुविचार जहाँ लिखते हैं स्कूल में हर एक दिन, वहाँ लिखते ही हैं आजकल, तो काफ़ी फेमस है। उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे स्लोगन्स दिए हैं, जैसे सर्विस टू ए मैन इज़ सर्विस टू ए गॉड। अगर आप किसी इंसान की सेवा करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी भगवान की सेवा कर रहे हो। और फर्स्ट फूड देन रिलीजन, पहले खाना फिर धर्म आता है, ऐसा उन्होंने बताया था। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आगे देख लेते हैं। नाउ अब आ रहे हैं MCQs, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड राइट द आंसर। जो इसमें फर्स्ट है, यू हैव टू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ गांधी जीस फॉलोअर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू नॉट इंक्लूड। क्या जो है नीचे जो दिए गए पर्सन्स के नाम हैं वो आप उसमें से कौन सा पर्सन इंक्लूड नहीं था, तो उसमें आंसर सी है, दुर्गाराम मेहता। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स वुड बी इंक्लूडेड इन द इंडियन एजुकेशन बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। कौन सा जो है डिटेल जो है इंडियन एजुकेशन में इंक्लूडेड था जब तक ब्रिटिशर्स आए नहीं थे उससे पहले, तो उसमें है बी, ओरल एजुकेशन। आगे देख लेते हैं, नाउ 4th का MCQ का 3rd है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड एजुकेशनल सिस्टम इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। जो पुराने ज़माने के शिक्षा नीतियाँ थी या शिक्षा संस्थान थे वो क्यों कम हो गए, डिक्लाइन यानी कम क्यों हो गए या गिर क्यों गए, बंद क्यों हो गए, तो उसमें आंसर है फर्स्ट ए, प्रायोरिटी इन जॉब टू दोज हु वर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। उन्हीं को ही नौकरी दी जाती थी जो अच्छे से इंग्लिश बोल पाता था। आजकल भी यही है, जो अच्छा इंग्लिश बोलता है उसे ही अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब आगे है क्वेश्चन 5th, मैच द फॉलोइंग। तो आंसर आपको रेड मार्किंग में ANS करके यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट का है वो F है, सेकंड का है वो E है, और थर्ड का जो है वो A है, और फोर्थ का जो है वो C है, और 5th का D है। इस तरह से ये मैच है, B जो है वो खाली है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 5 एजुकेशन एंड सोशल सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, इसके सॉल्यूशन ओवर हुए। होप कि आपको सारे समझ में आ गए होंगे, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और वो जो बेल आइकन होती है उसे भी आप प्रेस कर दो, ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना, जिसको भी ये सॉल्यूशन चाहिए तो उसकी भी नोटबुक कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।